पूरब से हर दिन सुबह सुबह निकलने वाले सूरज ने कहा, भगवान भास्कर ने कहा, धरती वासियों बाग विलासियों, कठिन बोल गए गुरु, बाग विलासियों का मतलब बतरस लेने वाले बतरसियों, कथा सुनने कहने वाले रसियों, निकलो निकलो अपने बंद कमरों से, घुटन भरे दड़बों से, अपने अपने चैम्बरों से। मैं कहता हूँ वसुधैव कुटुंबकम सोसाइटी के अपने सारे मेंबरों से, आओ 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 आओ, मैं तुम्हें धूप की गुनगुनी कविताएं सुनाऊंगा। मेरा मूड हुआ और आपको अच्छी लगी तो कल भी आऊंगा। देखो, मनुष्यता केवल धरती पर है और धरती तुम्हारी माँ पूरे ब्रह्मांड में अपराजिता है, पूरे ब्रह्मांड में उसको कोई हरा नहीं सकता, और ये सूरज ही उसका पिता है। आओ मेरी रोशनी और धूप के होलो, मैं तुम्हारा नाना हूं, अरे अपने फोटोसेल खोलो, मुझसे यानी अपने नाना से नाना प्रकार की ऊर्जाएं ले लो, मेरी कविता किरणों में खेलो। देखो, कहानी पर तो कॉपीराइट नानी का होता है माना, पर अब से गीत और कविताएं सुनाएगा तुम्हारा नाना। चलो सबसे पहले झंडा गीत सुनाता हूं। तिरंगे की आस्था क्या है, सौंदर्य क्या है, उसके लिए हमारा कर्तव्य क्या है, ये इस गीत में है। सारे वतन का प्यारा नयनाभिराम न्यारा, संसार भर में ऊंचा झंडा रहे हमारा, गाता गगन में हरदम अमनो अमा की सरगम, हम शांति के पुजारी पर शक्ति में नहीं कम, समता स्वतंत्रता का सद्भावना का संगम, आकाश में लहराए अपना तिरंगा परचम। सारे वतन का प्यारा नयनाभिराम न्यारा, संसार भर में ऊंचा झंडा रहे हमारा। अब इसका शारीरिक सौष्ठव क्या है, कुर्बानियों से पाया रंग इसने केसरी है, देश शांति का संदेशा वो श्वेत सुरसरी है, 24 चक्र किरणों में एकता भरी है, और मेहनत के रंग से इसकी रंगत हरी भरी है। सारे वतन का प्यारा नयनाभिराम न्यारा, संसार भर में ऊंचा झंडा रहे हमारा। अब इसके प्रति हमारा कर्तव्य क्या है, अंतिम तीसरा चरण। संकल्प सूर्य है ये तप तेज की निशानी, कहता फहर फहर कर बलिदान की कहानी, होशान कम न इसकी ये आन है निभानी, तन मन निसार इस पर कुर्बान जिंदगानी। सारे वतन का प्यारा नयनाभिराम न्यारा, संसार भर में ऊंचा झंडा रहे हमारा। मित्रों, हमारा इस धरती पर हमारे देश का झंडा सदैव ऊंचा रहेगा, दिल्ली हो या दरभंगा लहराएगा हमारा तिरंगा, लेकिन उस झंडे में डंडा कौन लगाएगा, ऊंचाई कौन ले जाएगा, अगस्त के महीने में 15 तारीख को कौन उसे फहराएगा, ये देखना है। और मैंने कहा था कि 24 चक्र किरणों में एकता भरी है, हाँ भरी है, लेकिन चक्र तो अभी 6 ही हुए हैं, 7वां चक्र बाकी है, और 24 चक्र की किरणों की बात कहें तो अचानक ध्यान आता है कि 23 को निर्णय आ जाएगा, 24 को देखेंगे। 24 को देखने से पहले ये ज़रूर देखें कि मतदान के लिए 7वें चरण में आना है सामने, क्योंकि मतदान इस लोकतंत्र के लोक पर्व का महादान है। आना न भूलिएगा और सूरज नाना न भूलिएगा। आऊँगा फिर आऊँगा।